सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y72 फोन के बारे में। हैं सो अगर आपके पास वीवो का Y72 फोन है, आप चाहते हो गूगल डायलर को रिमूव करके एंड अपने फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर को इंस्टॉल करना, तो फाइनली आप कर सकते हो। एंड कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल डायलर को रिमूव करने के बारे में एंड वीवो का ऑफिशियल डायलर जो है उसे आपको इंस्टॉल करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको ना ही कोई ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको छोटा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपके फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं फाइनली इसी के बारे में आप लोग को बता देते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y72 फोन के वीवो के ऑफिशियल डायलर के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के Y72 फोन के गूगल डायलर रिमूव के बारे में। क्योंकि गूगल डायलर आप जब अपने फोन में यूज करते हो, आप चाहे कॉल रिकॉर्डिंग करो, ऐप आपके फोन में कोई भी सेटिंग अच्छे से देखने को नहीं मिलते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो आपको अनाउंसमेंट आ जाते हैं एंड कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद आपकी फाइल कहीं पर सेव देखने को नहीं मिलती है। यही पे बात करते हैं वीवो के ऑफिशियल डायलर के बारे में। तो वीवो का ऑफिशियल डायलर जो है यहाँ पे चेंज होने के बाद आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को सेव भी कर सकते, तो ना ही आपको कोई अनाउंसमेंट का झंझट है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर आपको मिल जाएगा ब्लॉक इनकमिंग कॉल का ऑप्शन एंड यहां पे स्पीड डायलर वगैरह पहले वाला सेटिंग आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कैसे चेंज करना है मैं आपको बताता हूं। तो फाइनली दोस्तों इसके लिए आपको ज्यादा कुछ देखने को करने को नहीं मिलेगा, यहां पे आपको इंजेपल एक कोड को यूज करना पड़ेगा। कोड जो है मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर कहीं भी मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर लेना। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मेरे फोन में गूगल डायलर है, यहाँ पे गूगल डायलर दिख रहा होगा। तो गूगल डायलर यहाँ पे हमारे फोन में है, जो कि इस तरीके से हमारे फोन में गूगल डायलर है। यहीं पर हम गूगल डायलर के सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे गूगल डायलर के सेटिंग के अंदर ज्यादा कुछ सेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें ब्लॉक नंबर वगैरह के ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहीं पर हमारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, मिलता है तो यहाँ पे जो नंबर सेव नहीं होगा, अननोन नंबर पे कॉल आएगा, उस पर सिर्फ आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हो। फाइनली ये सब सेटिंग आपको मिल जाता है गूगल डायलर की। यहीं पे हम बात करेंगे वीवो के डायलर के बारे में। तो वीवो का डायलर कैसे आपको चेंज करना है, फाइनली यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड डालना है *#*#, उसके बाद आपको डालना है *55*6*8, उसके बाद *#**#, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीड कर लेना, यहाँ पे आपको इनेबल फोन कंटेंट, यहाँ पे फोन कंटेंट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रीड कर लेना बढ़िया से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऑन पे क्लिक कर देना। ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन। स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डायलर, जो कि ऑफिशियल वीवो का डायलर नीचे मिल जाता है। यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद आपको बैग आ जाना है। अब बैग आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फोन में जो कि गूगल डायलर रिमूव हो चुका है एंड हमारे फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो कि वीवो का ऑफिशियल डायलर देखने को मिल जाता है। यहीं पर हम बात करते हैं इसके सेटिंग की। तो सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहां पे हमें मिल जाता है ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स एंड ये वाला भी सेटिंग जो कि पहले हमें देखने को मिल जाता था। उसके बाद यहां पे हमें मिल जाता है कॉल रिजेक्ट इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पे मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ पे हमें मिल जाता है विड्रॉ जो कि स्पीड डायलर बहुत ही बढ़िया फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पे नंबर टाइप करके आप फोन को लगा सकते हो, किसी का भी नंबर इसके अंदर आप सेव कर लोगे तो आप नंबर पे क्लिक करोगे आपका फोन ऑटोमेटिक से लग जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये बहुत सारे सेटिंग के अंदर मिल जाते हैं, फुल स्क्रीन करना चाहते हो फुल स्क्रीन कर सकते हो। उसके बाद आपको ये मिल जाते हैं तो रिकॉर्ड से आप किस पास कर सकते हो, रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फाइनली बहुत ही बढ़िया जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं गूगल डायलर से बेटर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं वीवो का ऑफिशियल डायलर। तो दोस्तों इसे आप चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आप लोग को बताया था, कोड वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर लेना। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में। जब यहाँ पे इसका कॉल रिकॉर्डिंग होता है डायलर, जो कि कॉल स्क्रीन के बारे में भी आप लोग को दिखा देता हूं, तो हम यहाँ पे डायल करते हैं कॉल स्क्रीन, दिखाते हैं आपको इसका कॉल रिकॉर्डिंग कॉल स्क्रीन कुछ इस तरीके का। एंड हमारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक से इनेबल हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा फोन में कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर डिडक्शंस यानी बकाया और कटौतियों के लिए एक दबाएं अपने वर्तमान टैरिफ। तो फाइनली दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग होम स्क्रीन जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, तो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है तो फाइल कहाँ पे सेव हुआ है इसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको आना है गूगल फाइल में। फाइल में आने के बाद आपको इंटरनेट में जाना है। इंटरनेट में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक
रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग वाला फाइल आपको मिल जाता है यहाँ पे। जैसे क्लिक करोगे आपको रिकॉर्डिंग का फिर फाइल मिलेगा, उसके बाद आपको कॉल का फाइल मिलेगा। कॉल पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो कि जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं यहाँ पे आपको सेव देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को किया था, तो मेरे फोन में यहाँ पे सेव है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से हमारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल सेव हो जाती है एंड अपने फोन में ये आप ट्राई कर सकते हो वीवो के Y72 फोन के सेटिंग से। तो फाइनली दोस्तों वीवो इसको कोई भी ज्यादा सेटिंग करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोड को यूज करना है, उसके बाद आपकी जो कि वीवो का ऑफिशियल डायलर चेंज हो जाएगा। अगर आप यहीं पर चाहते हो चेंज करना तो फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर से भी आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके सेटिंग के अंदर नहीं है तो आप कोड डाल के इनेबल कर सकते हो। तो फाइनली मेरे फोन के अंदर सेटिंग के अंदर है, हम आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल जाता है हमें यहाँ पे सिस्टम का, सिस्टम पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ सेटिंग वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग हमें मिला है इसके अंदर हम दिखा देंगे आपको इनेबल करके। पहले जो कि हमारे फ़ोन के अंदर मिलता था कुछ अलग तरीके का, लेकिन यहाँ पे आप जैसे आओगे तो आपके फ़ोन के सेटिंग के अंदर ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद आप इसे कोड से यूज कर सकते हो, जो कि कोड से आप जैसे इनेबल करोगे आपके फ़ोन में ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कोड को डायल करके दिखाता हूँ, जो कि फिर से एक बार दिखाता हूँ, *555668#। तो ये कोड आ चुका है, इसे आपको ऑफ करना है एंड ऑफ करते ही आपकी जो गूगल डायलर है वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपका गूगल डायलर वापस आ चुका है। तो फाइनली ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, आप अपने वीवो के Y72 फोन में ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में बता दिया कैसे आपको गूगल डायलर को रिमूव करके एंड वीवो का ऑफिशियल डायलर को चेंज करना है अपने वीवो के Y72 फोन में। फाइनली मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाबा दोस्तों।